Hello everyone, today we are going to discuss the video solution of bi-weekly contest on N3. So let's start. Okay, so let's move to the first question first. And here's a question. I hope you all have already read this question and I'm moving to the answer. So basically in this question, what we are given is we are given one array. Let's take an example first. Let's take the example of the given array only. 3, 4, 5, 1, 2. So हमें क्या बताना है इसमें, हमें बस बताना है कि हमें कितनी बार इस एरे को राइट शिफ्ट करना है जिससे कि ये एरे सॉर्टेड बन जाए. तो अगर हमें इसको राइट शिफ्ट करना है और ये सॉर्टेड बन जाए तो खुद सोचो कि हम कितनी बार ऑपरेशंस कर सकते हैं. मतलब हो सकता है कि वो इनिशियली सॉर्टेड हो तो मेरे को 0 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, हो सकता है मेरे को 1 ऑपरेशन करना पड़े, हो सकता है मेरे को 2, या फिर मेरे को n माइनस 1 तक भी ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े. लेकिन अगर मैं n कर देता हूँ ऑपरेशन तो ये चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो अपनी इनिशियल एरे में कन्वर्ट हो जाएगी अगर मैं उसको n तक रोटेट करता जाता हूँ. तो ओवरऑल मेरा जो आंसर होगा वो मेरा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, मेरा आंसर जो है वो मेरा 0 से n-1 तक लाई करेगा. ठीक है, इतना हमें समझ आ रहा है. तो अब इसी एग्जांपल को लेते हैं. जैसे कि अगर मैं इसको राइट शिफ्ट करूँगा तो मेरी एरे बन जाएगी कुछ इस तरीके से. अगर मैं तो ये क्या ये सॉर्टेड है, नो. फिर अगर मैं इसको एक और बार करता हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, क्या ये सॉर्टेड है, बिल्कुल सॉर्टेड है ये. तो कितने शिफ्ट में काम हुआ अपना, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 2, क्योंकि हमने कितने शिफ्ट में किया इसको परफॉर्म, 2 ऑपरेशंस में हमने कर दिया. तो बस यही था क्वेश्चन. अब इसके सीधा सॉल्यूशन पे मूव करते हैं. तो इसके सॉल्यूशन पे आओ. देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस एरे को एक सॉर्ट कर दिया, मतलब बिना सॉर्टिंग के काम चल जाता लेकिन मैंने सॉर्ट कर दिया. हाँ, बाकी मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि जैसे कि मैं ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करते जा रहा हूँ तो इसमें जो हमें कंस्ट्रेंट्स गिवन थे ना वो ऐसे थे कुछ कि n जो था हमारा वो 100 तक जा सकता है. तो और ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये जो हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हम n टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और मतलब n इसको हर बार मतलब इसको n टाइम्स रोटेट कर रहे हैं बेसिकली, या 0 टाइम्स या 1 टाइम्स या 2 टाइम्स, और हर बार एक बार रोटेट करने में और कंपेरिजन करने की कॉम्प्लेक्सिटी होगी n. तो ओवरऑल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन स्क्वायर. तो ये मतलब ब्रूट फोर्सली इसका मैंने आंसर निकाला था, मतलब बहुत सिंपल तरीके से कि हम हर एक पॉसिबिलिटी को चेक कर लो ब्रूट फोर्सली, और जस्ट हमें चेक करना था कि किस पे मिनिमम स्टेप्स में आंसर आ रहा हो. तो यह इसका कोड. सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेक्टर C1 ले लिया, सॉर्ट C1, इसको सॉर्ट कर दिया. जैसे मैंने चेक कर लिया कि अगर ये इनिशियली बराबर हो रहा है तो रिटर्न 0 कर दो. वैसे इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, सॉर्ट मैंने जल्दबाजी में किया था. अदरवाइज तुम डायरेक्टली कंपेरिजन कर सकते हो, लाइक 1 फॉर लूप लगा कि एरे सॉर्टेड है कि नहीं है. फिर इसके बाद क्या किया कि हम इसको एक राइट शिफ्ट मारेंगे. तो मैंने एक बी ली. तो अगर हमको इसको राइट शिफ्ट मारना है तो हमें क्या करना है, जैसे कि देखो अगर मेरे पास ये एक एरे है 1, 2, 3, 4, 5, अगर मेरे को इसको राइट शिफ्ट मारना है तो सबसे पहले बस मेरे को क्या करना है कि 5 वाला फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा. तो सबसे पहले 5 वाले को पुश कर लो एक नई एरे में, फिर 1 को करो, फिर 2 को करो, फिर 3 को करो, फिर 4 को करो. तो इससे क्या है, एक राइट शिफ्ट हो जाएगी. तो बस बिल्कुल ऐसा ही ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि हमने बी डॉट पुशबैक ए ऑफ n-1 कर दिया, और उसके बाद 0 to n-1 बी डॉट पुशबैक ए आई. फिर मैंने बस चेक कर लिया कि ये सॉर्ट करके कि ये वाली चीज़ सॉर्टेड है, अगर सॉर्टेड है तो आंसर इज इक्वल टू -i+1. और फिर हम इसको एक राइट शिफ्ट कर दिया तो ए की वैल्यू को बी रख दो आप, क्योंकि एक बार शिफ्ट हो गई है ये. तो अगर आंसर इज इक्वल, इनिशियली मैंने आंसर को एन कर दिया था, अगर कुछ भी आंसर जो होगा वो 0 से n-1 के बीच ही होगा. अगर आंसर एन ही होता है तो आंसर को -1 कर दो और सीधा रिटर्न कर दो एंड में आंसर. आई होप समझ आया होगा. ये थोड़ा ज़्यादा टफ तो क्वेश्चन नहीं था, ईजी था. अब हम देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन. तो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या था कि मिनिमम एरे लेंथ आफ्टर पेयर रिमूवल्स. तो इस क्वेश्चन को देख लेना चाहिए एक बार, मतलब मेरे को ठीक क्वेश्चन लगा ये, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है वैसे. तो इसमें क्या था कि कॉन्टेस्ट के टाइम है ना, मेरे दिमाग में एक और अप्रोच आई थी इसकी, जो कि मतलब ऐसे था कि वो जो कि जो मैंने इम्प्लीमेंट कर रखी है उससे डिफरेंट है.
और वो मोर ऑप्टिमाइज्ड भी थी, लेकिन पहले मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मैंने कॉन्टेस्ट में इम्प्लीमेंट करी है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें समझो कि एक एरे गिवेन है, कोई भी एक एरे गिवेन है, तो हमें कंडीशन दे रखी थी अगर आई इज लेस देन जे ओ एंड ये वाली और ए आई इज लेस देन ए जे ओ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं। हम किसको रिमूव कर सकते हैं, हम ए आई को रिमूव कर सकते हैं और हम ए जे को रिमूव कर सकते हैं। तो हमें बताना था, और ये हमें एरे जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी होगी, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें फाइनल बताना था कि हमारी फाइनल मिनिमम लेंथ कितनी आएगी एरे की, फाइनल मिनिमम लेंथ। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम पहले तुम खुद सोचोगी, मतलब अगर हमारे पास एक एरे गिवेन है और हमें, हम सबसे पहली बात तो सिमिलर एलिमेंट्स ही निकाल सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास टू टू है तो वो मैं कभी नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर टू थ्री है मैं निकाल सकता हूँ, टू फाइव है मैं निकाल सकता हूँ। तो जैसे कि एग्जांपल उठाते हैं 1349, तो इसमें मैंने 13 को उठाया, मैंने 49 को उठाया, इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, आंसर फाइनल आंसर आ गया 0। 113 होता तो इसको और इसको निकाला मैंने, फाइनल आंसर होता 1। 2369 में भी फाइनल आंसर कितना होता 0। मैं सिमिलर को कभी नहीं उठा सकता, मैं डिफरेंट को उठा सकता हूँ, है ना। तो एट द एंड मेरी अप्रोच कुछ इस तरीके से रहेगी कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी मैं ट्राई करूंगा उससे पहले रिमूव करूं, तभी मेरा फ़ायदा होगा, तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स निकाल पाऊंगा। समझो जैसे कि 1 1 1 2 2 3 4 4 है, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो पहले मैं 1 को ट्राई करूंगा और सबसे ज़्यादा, उसके बाद सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 2 है तो 2 की निकाल, 2 और 4 की किसी को भी निकाल लूँ। फिर मैं एक और बार 1 को रिमूव करूंगा, फिर 4 की ज़्यादा है मैं 4 को निकालने की कोशिश करूंगा, फिर मैं 1 को करूंगा, फिर मैं 4 को करूंगा, फिर मैं 1 को करूंगा, फिर मैं 2 को करूंगा, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा अपना 3, सॉरी फाइनल आंसर आ जाएगा अपना 1, मतलब 3 बच जाएगा। तो बस यही मैंने ग्रेडी अप्रोच लगाई थी। मैंने क्या किया था कि सबकी एक मैप में फ्रिक्वेंसी स्टोर करी और फिर उसको मैंने मल्टी सेट में डाल दिया सारी फ्रिक्वेंसीज को, मतलब जैसे कि इस वाले केस में होगी 4 2 1 2, और फिर मैंने सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले को हमेशा उठाना स्टार्ट किया, किसी भी दो को। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है 4 और 2 की, और फिर मैंने 4 और 2 में से एक एक एलिमेंट निकाला, तो कन्वर्ट हो गया ये 3,1 में, और मैंने 3 और 1 को सेट में डाल दिया। तो मेरा जो नया मल्टी सेट बन जाएगा फिर हो जाएगा वो 3 1 1 2। फिर सबसे हाईएस्ट कौन से होंगे, मतलब ये सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, तो बेसिकली ऐसे कुछ स्टोर होगा। फिर मैंने 2 3 में से उठाया, फिर 1 1 2 3 में से उठाएंगे तो 1 2 बना, मतलब एक एक कम किया। फिर मैंने 1 2 उठाया, 1 1, और जब ये 0 हो जाए तो उसको इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस करके दोबारा, तो 0 को रिमूव ही कर देना है डायरेक्ट, तो फिर हो जाएगा अपना 1, क्योंकि एक कम हुआ यहाँ से और वो रिमूव हो गया। फिर मैंने 1 1 उठाया तो मेरा फाइनल आंसर कितना आया, 1, तो 1 होगा हमारा फाइनल आंसर। तो बस इसी अप्रोच से मैंने इम्प्लीमेंट किया। मैं इसका एक बार कोड दिखा देता हूँ, तो यही है इसका कोड। जैसा कि मैं बोल रहा था, मैंने सबकी फ्रिक्वेंसी काउंट करी, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, फिर मैंने ये मैक्स देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ और ट्राई कर रहा था जो कि मैं बताऊँगा मैं क्या करने वाला था। फिर मैंने मल्टी सेट में से इसका साइज जब तक 2 से बड़ा है, क्योंकि अगर 1 हो गया या 0 हो गया तो तुम कुछ नहीं कर सकते ऑपरेशन वहाँ परफॉर्म। और फिर अगर वेल 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है, वेल 1 इज़ ग्रेटर देन 1 है, तभी हमको डालने की ज़रूरत है, अदरवाइज वो 0 में कन्वर्ट होगा, तो हमें सेट में दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सेट में से अगर मैं इरेज कर लेता हूँ तो एक वैल्यू, मतलब कम कर देता हूँ, तो अगर एस डॉट साइज इक्वल्स टू 0 है, अगर एंड में तुम्हारा कुछ भी नहीं बचता है तो तुम रिटर्न कर दोगे 0, या फिर अगर ए की सेट में वैल्यू बचती है तो ऑब्वियसली मतलब वही आंसर होगा, वही आंसर इस वजह से होगा क्योंकि मतलब जैसे कि इस वाले केस में देख सकते हैं, अगर सोचो सेट में 3 1 होता, 3 1 5 1 1 होता, तो सबसे पहले मैं इसको हटाता और मैं इसको हटाता, तो वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाती 4 0 1, इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि 0 हो चुकी है। फिर आ गया हमारा 4 1, 4 1 के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, ये समझ लो कि एक एक हम दोनों में से उठाते हैं तो 3, तो फाइनल जो बचा ना, मतलब हमारी फ्रिक्वेंसी 3 बच गई, तो
तो एक एलिमेंट बचा जिसकी फ्रिक्वेंसी है 3, तो हम रिटर्न कर देंगे 3। तो ये इसका लॉजिक है। और बाकी हाँ यही था। अब मैं जो सेकंड अप्रोच बता रहा था वो मैंने मतलब अभी तक इम्प्लीमेंट करके देखी नहीं है मतलब, लेकिन वर्क कर जानी चाहिए उसमें, कुछ एज सच इतना टफ है नहीं। मैं सोच रहा था कि सबकी फ्रिक्वेंसी हम काउंट करते हैं, तो हमारा पंगा जो है ना केवल तभी पढ़ने वाला है जब किसी भी एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी वो ग्रेटर देन एन बाई टू हो जाए। क्योंकि अगर ग्रेटर देन एन बाई टू है तो उसको दूसरों से तुम पेयरिंग करने की कोशिश करोगे लेकिन वो हो नहीं पाएगा, जैसा कि ये वाला एग्जांपल है। तो अगर लेस देन इक्वल्स टू एन बाई टू हो तो तुम हर किसी से पेयर कर सकते हो, हर किसी को कुछ ना कुछ, मतलब इंट्यूशन ही है ये थोड़ी सी, ऐसा सच प्रूफ नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम हर किसी को हर किसी के संग वो कर सकते हो पेयर। और उसमें ऑड और इवन वाला केस लगाना पड़ेगा, अगर ऑड हो तो तुम रिटर्न वन कर दो, एल्स रिटर्न जीरो कर दो। और इस वाले केस में बस पंगा तुम्हें देखना पड़ेगा कि फिर तुम ये करोगे कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी में से जितनी और जो एलिमेंट है उनकी फ्रिक्वेंसी माइनस कर करके देखोगे कितनी बच गई, तो उस हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। मैंने अभी ऐसे सच इम्प्लीमेंट किया नहीं है इसको, कर सकते हैं। ये थर्ड वाला क्वेश्चन, तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है एक बार देख लो इसे। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना उसमें क्या था अपने पास कि हमें टोटल पेयर्स बताने थे। क्या बताने हैं? हमें टोटल पेयर्स बताने हैं जिसमें कि जिससे कि जो डिस्टेंस है जिनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, के डिस्टेंस के है। तो हमारा डिस्टेंस किसके बराबर होगा, हमें क्वेश्चन में गिवेन है कि हमारा जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पेयर्स वो होगा हमारा, समझो कि x1 कॉमा, हमारे टू पेयर समझ लेते हैं x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 है दो पेयर। तो हमारा जो ये होगा वो होगा x1 ज़ोर x2 प्लस y1 ज़ोर y2, ये वाली चीज है ना। अब हमें क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है कि इसके जो हम देख सकते हैं जो कंस्ट्रेंट्स हैं, के जो है वो 100 तक जा रहा है, जो हमारा एन है वो 5 इंटू 10 इंस्ट बार 4 तक जा रहा है। हमारा के जो है 100 तक जा रहा है, एन 5 इंटू 10 इंस्ट बार 4 तक जा रहा है। तो इसको देखते ही दिमाग में कुछ आना चाहिए कि मतलब कुछ ना कुछ तरीका हो सकता है, कुछ तो होगा, तभी तो इसका के इतना छोटा दे रखा है। तो के 100 देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि कुछ इससे रिलेटेड काम होगा। तो अब थोड़ा सा सोचते हैं हम, एक सिंपल सी बात है कि हमारा जोर जो हमारा डिस्टेंस है वो जोर का सम है प्लस वाई वन जोर वाई टू इज इक्वल टू के। तो या तो मेरी ये वाली जो चीज है वो जीरो हो सकती है x1 और x2, या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, या कितनी लेनी है हमको, k तक लेनी है। k से आगे लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट। अगर यहाँ पे 0 है तो हमें ये कितनी चाहिए होगी, ये k चाहिए होगी, k-1 चाहिए होगी, k-2 चाहिए रहेगी, k-3 और ये 0। तो बस मतलब यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे हम ब्रूट फोर्सली चेक कर सकते हैं हर एक इंडेक्स के लिए 0 से 100 तक, या फिर जीरो से के तक। जीरो से के तक मैं चेक करूंगा कि एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, या जीरो ले रहा हूँ या वन ले रहा हूँ या टू या फिर के तक। अगर मेरी एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू फिक्स है तो वाई वन और वाई टू की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। तो वाई वन और वाई टू की वैल्यू हो जाएगी के माइनस, अगर समझो मैंने एक्स आई एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू, तो वाई वन और वाई टू की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, के माइनस एक्स। तो क्या मैं यहाँ से एक रिलेशन फाइंड कर सकता हूँ कि अगर मैं एक्स चूज करता हूँ जीरो से के बीच में, अगर मैं एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू ले रहा हूँ एक्स के बराबर, तो वाई वन और वाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के माइनस एक्स। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक्स टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स और एक्स वन, और वाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के माइनस एक्स और वाई वन। तो इससे मेरा ये फाइनल पता चल गया कि ये रिजल्ट होगा। तो x2 की वैल्यू x2, y2 मेरे को बस ऐसे फाइंड करने हैं हर एक x1, y1 के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंपली अपने पीछे, मतलब समझो कि अगर मैं किसी x1, y1 पे खड़ा हूँ तो मेरे को अपने बस पीछे ऐसे x2, y2 देखने हैं कि मेरे पीछे ऐसे कितने x2, y2 एग्जिस्ट करते हैं, जिससे कि मेरा जो सम आएगा वो k आएगा। और वो हम इस वाले रिलेशन से फाइंड कर लेंगे
किस वाले रिलेशन से, जो ये अभी हमने फाइंड किया इस वाले से। तो बस इसका मैं कोड दिखा दूँ कि कैसे इम्प्लीमेंट किया था इसको। तो ये है इसका कोड। इसमें मैंने बेसिकली क्या किया था कि मैं हर एक इंडेक्स के लिए मैं जीरो से के, मतलब ये समझो कि जे वाली जो वैल्यू है वो है हमारी x1 और x2। तो फर्स्ट वैल्यू जे है तो सेकंड के माइनस जे होगी। तो मैं बस ये इस जो हमने रिलेशन पीछे फाइंड किया उससे मैंने फाइंड कर लिया कि ऐसे कितने पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, और मैंने उसको आंसर में ऐड कर दिया। जैसे वो इंडेक्स के बाद वो, अब जब वो पीछे, मतलब जैसे कि इस वाले इंडेक्स का स्कोप ख़त्म हो गया, तो मैं उसको पीछे ऐड कर दूंगा मैप में, कि मेरे को अपने पीछे वाले देखने हैं कि ऐसे कितने पेयर्स हैं, और रिटर्न कर दो एंड में आंसर। अब हम इस वाले क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या था कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगा था। इसको वैसे आई थिंक डीपी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक दूसरे कॉन्सेप्ट से किया था जो कि री रूटिंग कॉन्सेप्ट होता है, जो कि मेरे को मच ईजियर लगा था, तभी मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया था। और मैं बताता हूँ कि री रूटिंग है क्या। पहले क्वेश्चन देख लो एक बार। और तो ये क्वेश्चन है, इसको एग्जांपल से ही समझते हैं सबसे पहले। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन कि हमको ऐसे दे रखा है टू, जैसे हमें दे रखा है 2 1 0 3, और एजेस की डायरेक्शन कुछ कुछ ऐसे दे रखी है हमें, है ना, ये दे रखी है। तो अगर मैं 2 से 1 पे जाऊं, तो 2 से 1 जाना पॉसिबल है, बिल्कुल है पॉसिबल, बिल्कुल है। 2 से 3 पे जाना पॉसिबल है, बिल्कुल है। 2 से 0 पे जाना पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो 2 से मेरा आंसर, अगर मैं सोचूं कि 2 से मैं हर एक नोड पे जा पा रहा हूं, तो उसके लिए मेरे को कितनी एजेस रिवर्स करनी पड़ेंगी, तो उसका आंसर कितना होगा, 0। तो 2 के लिए आएगा 0। अब सोचो अगर तुम 1 पे होते तो तुम्हारा ट्री कुछ ऐसा दिख रहा होता, 3 यहाँ पे होता, 2 यहाँ पे होता, 0 यहाँ पे होता। तो अगर 1 से मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, बड़े आराम से जा सकता हूँ, 1 से 2 पे नहीं जा सकता, 1 से 0 पे नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाली एज बीच में आ जाएगी रिवर्स। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 से अगर मेरे को हर नोड पे पहुँचना है तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो बस ऐसे ही तुम्हें हर एक नोड का कैलकुलेट करना था। अब मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे किया था इसको। मैंने ऐसे किया था कि लेट सपोज कि हमें काफ़ी सारे ऐसे नोड्स के बहने हैं, ऐसे लेते हैं। अब इनकी डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं अपन, समझो कुछ भी ऐसे रैंडमली डायरेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे ले ली, इसकी यहाँ ले लेते हैं। तो इसके लिए अगर समझो इस नोड के लिए मैं चेक करूँ, तो क्या यहाँ से यहाँ जाना पॉसिबल है, बिल्कुल है। तो हमें कितने नोड यहाँ इस वाले में रिवर्स करने पड़ेंगे, मतलब कितनी एजेस रिवर्स करनी पड़ेंगी। तो एक तो ये वाली, एक ये वाली, तो यहाँ से 2 करनी पड़ेंगी, और यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4, केवल इस वाले नोड के लिए, इस पर्टिकुलर नोड के लिए। मेरे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग तुम पहले, है ना, किसी भी नोड का तुम फाइंड कर लो। लेट्स से तुम 0, जो 0 वाला नोड है, जिस नोड की वैल्यू 0 है, तुम उसका फाइंड कर रहे हो कि उससे कितनी तुम्हें एजेस रिवर्स करनी पड़ रही हैं। तो जैसे कि इसका आंसर आया अपना 4। तो अब हमें चेक करना है कि दूसरे नोड्स का कैसा है, दूसरे नोड्स का क्या आंसर आ रहा है। तो अगर तुम्हें दूसरे नोड का आंसर निकालना है, तो वो भी तुम इस 0 वाले नोड की हेल्प से निकाल सकते हो, और वो मैं बताता हूँ कैसे। तुम समझो कि तुम यहाँ पे खड़े हो, ये 0 वाला नोड है, ये 1 वाला है, लेट सपोज ये 1 वाला है, तो इसको भी हटाओ, मान लेते हैं 3 नोड है, मतलब जो भी वैल्यू हो फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर तुम 0 से 3 पे गए, तो तुम्हारे ट्री में क्या चेंजेस आएंगे, खुद सोचो। मतलब अगर समझो ये 3 वाला नोड है, ये 0 वाला हो गया, और 0 के नीचे एक ये वाला नोड, ये दोनों अभी भी ऊपर वाली डायरेक्शन में, और जो 0 से हम इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन में हो जाएगा वो। और ये जो नोड हैं, ये इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है।
तो इतना हमें समझ आ रहा है। तो अगर मैं थ्री वाले नोड पे आ गया और ये अपना जीरो वाला नोड है, तो जीरो वाले आंसर का नोड का आंसर था फोर। मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जो ये वाला जो आंसर है, ये जो मेरे को एजेस रिवर्स करनी पड़ रही थी पहले, जो थ्री के नीचे थी, वो मेरे को अब भी करनी पड़ रही है। जो मेरी जीरो के नीचे एजेस थी, मैं जो मेरी जस्ट जीरो के नीचे जैसे ये वाली एजेस थी, ये मेरे को अब भी बिल्कुल वैसे के वैसे रिवर्स करनी पड़ रही है जैसे मेरे को पहले करनी पड़ रही थी। कोई चेंज ही नहीं है दोनों में। तो फर्क किस में आया? फर्क केवल आएगा थ्री और जीरो वाली जो एज है उसके बीच में। तो अगर जीरो वाली का आंसर मैंने कैलकुलेट करा था तो उसमें केवल चेंजेस आएगा, उसमें थ्री और जीरो वाले में जो थ्री में आंसर आएगा उसका जो चेंज आ रहा होगा वो केवल जीरो और थ्री के बीच में जो एज है उसके बीच किसकी वजह से आ रहा होगा। तो अब तुम खुद देखो कि अगर जीरो से थ्री पहले सही डायरेक्शन में थी, यहाँ पे पहले सही डायरेक्शन पे थी, लेकिन अब जब ये नीचे आया होगा तो ये उल्टी डायरेक्शन में हो गई होगी। तो आंसर जो हमारा पहले फोर था, अब वो 4+1 हो जाएगा। इसके और इसकी वजह से फोर था, अब एक जो है हमने एक उल्टी कर दी जो एज है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4+1=5। तो इसका क्या मतलब है? तुम अगर किसी भी नोड पे खड़े हुए हो, तुम अगर किसी भी नोड पे खड़े हुए हो और उस नोड का समझो आंसर है एक्स, तुम उसके चाइल्ड पे जाते हो और वो पहले सही डायरेक्शन में थी, मतलब जैसे अपन को नीचे जाना हो डाउन वाली डायरेक्शन में ही थी, तो हमारा एक आंसर बढ़ जाएगा हमेशा उस वाले केस में। अगर तुम उस जिस चाइल्ड पे जा रहे हो उसकी डायरेक्शन में थी हमारी जो एज है, अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो एल्स तुम्हारा जो आंसर है वो क्या होगा, वो x-1 हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ x-1 कैसे होगा। समझो कि एक नोड था ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, नहीं अपने को उल्टी एज एज लेनी है। तो अगर ये समझो ये नोड है, चाइल्ड है, तो पहले इसका आंसर अगर सोचो इसी वाले सब ट्री, इसी वाले ट्री का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें आंसर अपना क्या आ रहा है, 1, क्योंकि केवल हमको कौन सी रिवर्स करनी पड़ेगी ये। लेकिन जब ये वाला नोड अगर नीचे चला गया तो हमारा ये क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये समझो जीरो था, ये 1 था, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सब अपनी क्या बोलते हैं, राइट डायरेक्शन में आ गए हैं। तो अगर राइट डायरेक्शन में आ गए हैं, अगर ये सब अपनी राइट डायरेक्शन में आ गए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो 1 से कम हो गया, हो जाएगा। वो क्यों हुआ, क्योंकि जैसे नोड और चाइल्ड के बीच में जो एज थी पहले उल्टी डायरेक्शन में थी, तो जब हम चाइल्ड को ऊपर लाएंगे और नोड को नीचे लाएंगे तो ऑब्वियसली वो सही सही डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इस वजह से आंसर हमेशा एक कम हो जाएगा। तो बस हमें एक DFS ट्रैवर्सल निकालना था और हमें चेक करना था कि जब हम किसी नोड पे खड़े हुए हैं, अगर हमारा एक्स आंसर है, फिर हम उसके चाइल्ड पे जा रहे हैं, तो क्या वो सीधी डायरेक्शन में है, क्या वो उल्टी डायरेक्शन में है। सीधी डायरेक्शन में है तो अपन को आंसर में से माइनस सॉरी +1 करना था, अगर उल्टी डायरेक्शन में तो आंसर -1 करना था। इसका जैसे देख लेते हैं कोड, तो ये पहला, ये क्या है, ये वाला जो है YDFS1, ये मैंने निकाला था जो कि तो इसका कोड देख लेते हैं। तो ये पहला वाला कोड है, ये क्या कोड दिखा रहा है कि जैसे जो YDFS1 है वो क्या हमारा दिखा रहा है कि अगर मैं जीरो नोड पे खड़ा हुआ हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है। तो बेसिकली मैंने बस ये निकाला था यहाँ पे कि जो मेरी उल्टी डायरेक्शन में एज है तो मैंने उसको स्टार्ट में स्टोर कर लिया था, तो स्टार्ट +1 में कर लिया था। अब मैं ये कैसे फाइंड कर रहा हूँ कि ये सीधी डायरेक्शन है कि उल्टी डायरेक्शन है, उसको मैंने कर दिया था, मैप लिया था कि सेट लिया था, मेरे को याद नहीं है। हाँ, हमने लिया था, एक मैप ले लिया था और मैप में मैंने ये कर दिया था कि जिस डायरेक्शन का वो है उस पे 1 कर दिया था मैंने। तो जैसे कि अगर 0 से 1 है तो 0,1 को मैंने 1 कर दिया था। तो जैसे मैं आइट्रेट कर रहा हूँ, अगर मेरे को जैसे 0 नोड है और जो 1 है वो चाइल्ड नोड है, तो मैं बस उस डायरेक्शन में देख रहा था क्या 0 से 1 है या तो 1 से 0 है। अगर मेरे को सही डायरेक्शन में मिल गई तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर उल्टी डायरेक्शन में तो स्टार्ट ++ मतलब स्टार्टिंग वाला आंसर ++ कर दूँ और सिंपल यहाँ पे DFS कॉल लगा दो।
ये हो गया पहला, मतलब जीरो नोड का आंसर कैलकुलेट करने के लिए। अब दूसरे नोड का आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास समझो कि ये जो है हमारी इनिशियल वैल्यू है, तो हमने आंसर ऑफ नोड को कर दिया स्टार्ट वन, मतलब जो भी हमारी आंसर था वो नोड पे था, हमने स्टार्ट वन जो भी हमारा स्टार्ट वन था उस नोड को वैल्यू दे दी। और उसके बाद क्या करते हैं हम चाइल्ड पे जाते हैं और चेक करते हैं क्या ये सीधी डायरेक्शन में है या उल्टी डायरेक्शन में है। उसको अपन ईजिली मैप से फाइंड कर सकते हैं कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर नोड से आई की डायरेक्शन में मैंने सारी की सही मैंने जिस डायरेक्शन में जो भी है जिस डायरेक्शन में गिवन है वो मैंने स्टोर कर लिया है, तो अगर नोड से आई है तो ये हमारी सही डायरेक्शन में है, तो उस वाले केस में हमारा आंसर क्या होगा कि सॉरी ये मैंने क्या है नोड कॉमा आई इज नॉट इज इक्व टू ई डॉट एंड, मतलब हाँ ये हमारी सही डायरेक्शन में है। तो इस वाले केस में हमारा क्या आंसर होगा कि अब जब अगर ये सही डायरेक्शन में है तो ये उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगी जब मैं चाइल्ड पे जाऊंगा, तो और मेरा आंसर कितना एक से बढ़ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा मेरा आंसर अगर ये उल्टी डायरेक्शन में था तो मेरा आंसर एक से कम हो जाएगा और मैं बस यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर ऑफ नोड में स्टोर कर दूंगा। तो बस यही था इसका आंसर।